समय था 4 सितंबर 2022, एशिया कप भारत वर्सेज पाकिस्तान का मैच। 18वीं ओवर की तीसरी बॉल थी जिसको कि हवा में शॉट मारा और वो बॉल वो कैच छुट गया हरदीप सिंह से। याद होगा आप लोगों को, हरदीप सिंह से जैसे ही वो कैच छुटा तो ट्विटर के ऊपर हर जगह पे एक हैशटैग चलाया गया था, हैशटैग खालिस्तानी। यहां तक कि हरदीप सिंह की विकिपीडिया के ऊपर भी लिख दिया गया था खालिस्तानी, विकिपीडिया पर भी, क्योंकि सबको पता है इनकी इतनी चलती थी फेसबुक पर हर जगह पर। वो लिख दिया जाता है भाई, सब कहने लगे हरदीप सिंह खालिस्तानी है, जानबूझ के मैच करवाया, ये करवाया। वजह यह नहीं थी कि हरदीप सिंह ने कैच छोड़ दिया, वजह यह थी कि भारत पाकिस्तान से हार गया, उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट बन गया सरदार जी था, केस रखे हुए हैं, दाढ़ी केस है, तो बस सबसे सॉफ्ट टारगेट बना लिया। जैसे पहले मुसलमानों को टारगेट बनाते थे, अब मुसलमानों को किसको टारगेट बनाते हैं? अगर उसी मैच को ध्यान से देखोगे तो 19वां ओवर किसने फेंका था, 19वां ओवर फेंका था भुवनेश्वर कुमार ने, 19 रन दिए थे उसने, उसको तो टारगेट नहीं बनाया, क्योंकि टारगेट तो एक तो चाहिए था। अभी कुछ दिन पहले ही मैच हुआ था, पहला मैच हुआ था श्रीलंका और इंडिया का, तो उसके अंदर आखिरी बॉल 15 गेंदों में एक रन चाहिए था, आखिरी में बल्लेबाजी करना है, हरदीप सिंह ने बैट जैसे घुमाया वो LPW आउट हो गया, तो लोगों ने फिर टैग चला दिया, ये तो जानबूझ के मैच करवा रहा है, जानबूझ के ये करवा रहा है, चलिया था ना। अब कल जो मैच हुआ, परसों जो मैच हुआ है, फिर दूसरा मैच हुआ इंडिया और श्रीलंका का, उसके अंदर एक बॉलर आया कोई श्रीलंका का, वो लगातार 6 विकेट ले गया, लगातार 6 विकेट ले गया, वो फिर हार गया इंडिया, फिर हार गया। अब ठीकरा किसके ऊपर फोड़ोगे? क्यों नहीं कहा कि रोहित शर्मा ने जानबूझ का वो शॉट खेला, रोहित शर्मा जानबूझ करवाना चाहता था, जानबूझ का ऐसा शॉट खेला रोहित शर्मा ने, ये विराट कोहली ने जानबूझ का LPW आउट किया जैसे हरदीप सिंह को बोला था। लेकिन नहीं, कुछ एक ना शो कॉल्ड देशभक्त, ध्यान से सुन लेना, शो कॉल्ड देशभक्त, उनको चाहिए इल्जाम लगाने के लिए कोई टारगेट। और ये टारगेट कैसे बनाते हैं? पहले मुसलमानों को बनाते थे, अब ये पंजाब के कलाकारों को, पंजाब के सिंगरों को, या पंजाब के जो खिलाड़ी उनको टारगेट बनाते हैं, उनको बड़ा टारगेट, शॉप टारगेट समझते हैं अपने आप को, उनको टारगेट बनाते हैं। टारगेट बना के क्या करते हैं फिर? ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, मतलब ये अपना एक अलग ही वो चला देते हैं, अलग ही वो। ये क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों करते हैं और क्यों ये खालिस्तानी खालिस्तानी चलाते हैं? आज थोड़ा वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लेना, आपको बताएंगे क्यों ये सिंगरों को खालिस्तानी कहते हैं, क्यों खिलाड़ियों को खालिस्तानी कहते हैं, उसका पूरा रीजन बताया जाएगा आपको, रीजन। और है ना, खालिस्तानी जो ये कहते हैं ना, इनको आज तक ये भी नहीं पता कि खालिस्तानी कोई गलत शब्द नहीं है, खालिस का मतलब होता शुद्ध और सच्चा, शुद्ध और सच्चा होता है, लेकिन इनको क्या पता, ये चिंटू मिंटू हैं, इन चिंटू मिंटू को ये तो पता नहीं तुम बोल क्या रहे हो, लेकिन इनको तो एक टारगेट चाहिए ना, सॉफ्ट टारगेट चाहिए। अब आते हैं, आज आपको बताते हैं दलजीत दोसांझ, JGB, सिद्धू मूसेवाला, AP ढिल्लों, या जो था अपना क्या नाम था उस लड़के का, सुखदीप सिंह, इन लोगों को आपने क्यों टारगेट बनाया था, क्यों बार बार किया था, क्यों तुम्हारी वो बुआ है ना टंगना उठावत, या तुम्हारा एक और शो कॉल्ड गोबर खारिया, आज इन सब की ना खट खड़ी की जाएगी। थोड़ा ध्यान से वीडियो को पूरा सुनना पूरा, आज तुम्हारे को बताते तुम टारगेट करते क्यों हो, करते क्यों हो। दलजीत जो दोसांझ का एक शो होना था, शो था दलजीत दोसांझ का जो 2019 में होना था, ह्यूस्टन में शो होना था, उस शो को रेहान सिद्दीकी ऑर्गेनाइजर था, उस शो का रेहान सिद्दीकी ऑर्गेनाइजर था, पाकिस्तानी मूल का, उसके ISI के साथ संबंध बताए जाते हैं, ISI के साथ संबंध है, तो ऑटोमेटिक आतंकवादी है वो, आतंकवादी, इस बात को हम भी कहते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या चलाया, साल 2019 में ह्यूस्टन में होने वाला दिलजीत का एक कॉन्सर्ट तो रेहान सिद्दीकी एक ISI हैंडल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, पर साथी सर ठीक है, इन्होंने ये बताया कि भाई रेहान सिद्दीकी उसका शो ऑर्गेनाइज कर रहा ह्यूस्टन के अंदर, लेकिन इन लोगों ने ये क्यों नहीं दिखाया कि दलजीत दोसांझ को जैसे ही पता लगा भाई रेहान सिद्दीकी कोई पाकिस्तानी मूल का और उसका संबंध दूसरे साइड से है, तो वो उसका शो ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसी टाइम पे ट्विटर के ऊपर लिख दिया था दलजीत दोसांझ ने कि मैं ये शो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हूं, मैं ये शो नहीं करूंगा, क्योंकि उसके जो बालाजी एंटरटेनमेंट है ना उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है दलजीत दोसांझ का, उसने बोला बाकी मैं और किसी के उसमें शो मैं नहीं करूंगा, कोई भी शो परफॉर्मेंस वो नहीं की। लेकिन ये इन लोगों ने नहीं दिखाया, दलजीत दोसांझ ने मना कर दिया, उसने बोला मैं अपने लोगों से, अपने देश के लोगों से प्यार करता हूं, मेरे को मतलब नहीं शो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा, अगर कोई अलग करेगा तो मैं शो में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये नहीं दिखाया, ये अगर दिखाते तो फिर ये साबित कैसे करते जी, ये तो खालिस्तान, सिर्फ खालिस्तानी तक नहीं रुकते ये, फिर उसके बाद आतंकवादी पता नहीं कौन कौन से टैग देने लग जाते हैं। ये कुछ शो कॉल्ड देशभक्त, शो कॉल्ड देशभक्त इसलिए बोला ताकि आपकी समझ में आ जाए, ये खुद को बहुत बड़ा देशभक्त बोलते, राष्ट्रभक्त बोलते हैं। रेहान सिद्दीकी शो ऑर्गेनाइज कर रहा था, ओके, दलजीत दोसांझ ने तो शो कॉरेस्पॉन्ड कर दिया, माधुरी दीक्षित का शो उसने ऑर्गेनाइज किया और माधुरी दीक्षित उस शो के अंदर गई, माधुरी दीक्षित को खालिस्तानी बोल लिया क्या? क्यों नहीं, वो तो सिख नहीं थी ना, कोर नहीं थी, वो तो माधुरी दीक्षित थी,
कौर नहीं, माधुरी कौर नहीं थी ना, माधुरी कौर होती तो खालिस्तानी हो जाती वो। शाहरुख खान और उसकी पत्नी गौरी, उनके शो ऑर्गेनाइज करे हैं उसने, रेहान सिद्दीकी ने, और वो उस शो में गए हैं। क्या किसी ने बोला कि शाहरुख खान खालिस्तानी है? किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला होगा, नहीं बोला होगा, क्योंकि तुम्हारी शो कॉल्ड देशभक्ति है ना, सिर्फ चंद कुछ एक लोगों के ऊपर तुम्हारे गोबर खारिया जैसे मुंह में गोबर लेकर काली तैनी करने लग जाते हो तुम, खालिस्तानी खालिस्तानी। अब बात करते हैं एपी ढिल्लो के, एपी ढिल्लो आप बाद में आएंगे, दलजीत दोसांझ पर भी आएंगे और इस पर भी आएंगे, अपना हर्षदीप सिंह के बताएंगे ना, तुम्हारे पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी। एपी ढिल्लो ने जूते पहनने थे तीन रंग के, सफेद केसरिया हरा, तीन रंग के जूते पहनने थे। बस ये देखो जी, जानबूझ घोषण थे ये जूते पहन रखे हैं, ये तो तिरंगे की बेइज्जती कर रहा है, ये तो खालिस्तानी इसलिए तिरंगे की बेइज्जती कर रहा है। ध्यान से सुन लेना, गदापंथी करने से पहले ना पहले ध्यान से सुन लिया करो हर एक बात को। तीन रंग अपने देश के तिरंगे के अंदर, केसरिया सफेद और हरा, लेकिन बीच में एक अशोक चक्र भी है, और तीन ही रंग है आयरलैंड के झंडे पे, केसरिया सफेद और हरा, लेकिन उनके अंदर है ना अशोक चक्र नहीं है, और वो जूते जो रंग था ना उसमें अशोक चक्र नहीं था, तो ये तो इंसल्ट उसके आयरलैंड के झंडे की होनी चाहिए। आयरलैंड वालों को तो पता नहीं तुम्हारे रंग का जूते पहन रखे हैं एपी ढिल्लो ने, लेकिन यहां पर देखो तिरंगे का अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक सिख था, वो एक सिख था, इसलिए तुम टारगेट बनाने में आसानी तुमने समझी। आयरलैंड ने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन तुमने तो अपनी गधापंथी करने से मतलब है, तुमने की अपनी गधापंथी, तुम कहां का बूम आते हो। शुभदीप सिंह, शुभदीप सिंह ने एक पोस्टर जारी किया था, एक पोस्टर जारी कर दिया था, उसने लिखा था प्रे फॉर पंजाब। ध्यान से देख लेना पोस्टर को, दोबारा जाके देख लेना, प्रे फॉर पंजाब। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला, नहीं नहीं ऊपर का हिस्सा इसने तो पाकिस्तान में दे दिया। बीजेपी के, बीजेपी पार्टी का जाके चेक करो, उन्होंने एक झंडा बना रखा था आधे से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान में दिखा रखा था। जब कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था ना, तब उन्होंने उस वीडियो को हटाया था। इन्होंने तो कभी तिरंगे का सम्मान भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारा कभी धर्म खतरे में नहीं आया, ना तुम्हारा देश खतरे में आया, कभी आया क्या? एक आतंकवादी पकड़ा गया था जेएंडके के अंदर, ध्यान से सुन लेना, आतंकवादी जेएंडके में पकड़ा गया था जिसके आईएसआई के साथ संबंध थे, वो बीजेपी की आईटी सेल का प्रमुख था। तुमने कभी बोला क्या आते तिरंगे के अपमान के ऊपर? जब इंटरनेशनल योगा डे था, प्रधानमंत्री साहब तीन रंग का उंगली रहे थे, मुंह साफ किया था प्रधानमंत्री साहब ने, मुंह साफ किया था, तभी वो तिरंगे की बेइज्जती नहीं थी क्या, जिसमें प्रधानमंत्री के ऊपर केस भी दर्ज होया था? ये दूसरी बात है, केस की सुनवाई कहीं पे हुई नहीं, ये दूसरी बात हो जाती है। आज सबसे पहले सुनो हरषदीप सिंह की, जिसका तुम विरोध करते हो। हरषदीप सिंह के पिताजी ने 25 साल सेना में नौकरी कर रखी है, 25 साल सेना में नौकरी, गधो पहले पिछोकड़ चेक किया करो, इसलिए तुम्हारे को बार बार बोलता हूं मैं। दलजीत दोसांझ से तुम इसलिए नफरत करते हो क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर, किसान आंदोलन के द्वारा 1 करोड़ रुपया दिया था उसने चंदे में, 1 करोड़ रुपया, दलजीत दोसांझ ने नहीं और भी पंजाब के कलाकारों ने, इसलिए तुम इन कलाकारों के पीछे लगते हो। क्यों? इन्हें तो इनके बाप दादा बैठे हुए थे वहां पे, तो मदद की इन्होंने किसान आंदोलन में, तुम्हारी बुआ है टंगना उठावत है बस उनको। अगर दलजीत दोसांझ मेरे साथ डिबेट में आ गई, ये कह दे कि मैं खालिस्तानी नहीं हूं, तो मैं मान जाऊंगी। तू होती कौन है? तू होती कौन है? बचपन में घर से बागी नशेड़ी कहीं की, बुड्ढों के साथ तू रही है, तू पता नहीं किस किस के साथ रही, तेरे को जवाब देगा? दलजीत दोसांझ ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो टंगना उठाओ, टैं टैं, इनकी बुआ है, लेकिन उसके कहने पर लोग चलते हैं, इनकी बुआ है ना, इनके कहने पर चलते हैं, इसलिए क्योंकि जो किसान आंदोलन इतना मशहूर हुआ था ना, देशों विदेशों से मदद हुई थी, वो इन पंजाब के कलाकारों के कारण ज्यादा मशहूर हुआ था, पंजाब के कलाकारों ने ठोक के मदद की थी, इसलिए ये लोग इनके पीछे लगते हैं, क्योंकि सरकारों को तकलीफ हुई थी उस आंदोलन से, सरकार झुक गई थी उस आंदोलन में, उस झुकाई का बदला ले रहे हैं बार बार इनको टारगेट करके, बार बार टारगेट करके, और कहीं पर कुछ भी नहीं है। नहीं तो तुम्हारे एक नहीं हजारों सबूत हम दे सकते हैं, तुम बोल के दिखाओ उनको खालिस्तानी, पूरी बीजेपी को तुम खालिस्तानी बोल के दिखाओ। जेपी नड्डा ने तिरंगे के ऊपर पार्टी का झंडा लगा दिया था, बोलो जेपी नड्डा को खालिस्तानी, बोलो ना, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, सो कॉल्ड देश भगत। चल देते, एक नहीं हजारों लाखों सबूत दे सकते हैं तुम्हारे को, लाखों सबूत। वो तो इतने बड़े बड़े कलाकार है, क्रिकेटर है, खिलाड़ी है वो, तो तुम तो मेरे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर के पीछे भी लग जाते हो, तो तुम्हारा ना तो कोई दीन धर्म है, ना कोई ईमान है, तुम गधे थे, गधे हो और गधे ही रहोगे। पंजाबी में बताऊं ना, खोता कहते हैं उसको, वो खोते हो तुम, तुम्हारा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगले वीडियो में फिर बताएंगे आपको, इनकी ना क्लास लगती रहेगी, चिंता मत करना। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, अपनी राय रखना भाई। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।